नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, पोटैटो पनीर स्नैक्स। तो इसके लिए मैंने एक पनीर 200 ग्राम पनीर के टुकड़े काट लिए हैं छोटे छोटे, और एक मैंने आलू छील कर लिया है। अब हम इसके चिप्स निकाल लेंगे पतले पतले। ये देखिए, तो ये देखिए हमने पानी में निकाल लिया इनको। और अब इसको हम थोड़ा सा इसको धोकर अब इसको छलनी में निकाल लेंगे, जिससे इसका पानी निकल जाए। तो देखिए आलू का हमने सारा पानी निकाल दिया है और कितने एकदम से सूख गए हैं। और अब इसको हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इनको अच्छे से इसमें लगा देंगे। पनीर मेरा थोड़ा सॉफ्ट है, आप टाइट वाला पनीर लें थोड़ा। तो इस पर भी हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे थोड़ा। थोड़ा सा डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ये हम आलू में भी डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक आलू की चिप्स उठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में पनीर रखेंगे। और इस तरह से हम बना लेंगे इसको, ये देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसी तरह से हम सारे पनीर और चिप्स को लगा लेंगे। तो इस तरह से हम दो दो भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इनको बना के रख लिया है। इन्हें आप फ्रिज में बना के भी रख सकते हैं, और जब किसी को खिलाना हो तब आप तुरंत तल के खिला सकते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा बहुत गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम इस तरह से इनको डिप करके फ्राई कर लेंगे। इनको कुरकुरा होने तक हम फ्राई करेंगे रख लट के। तो देखिए हमारे स्नैक्स एकदम से कितने करारे हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, एकदम कुरकुरे बन गए हैं। और इनको इसी तरह से हमें फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन हो जाए और कुरकुरे हो जाए तब तक हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए हमने सब इसके जो टूथपिक थी वो हमने निकाल दी है, इसी तरह से हमने जो लगाई थी टूथपिक हमने निकाल दी है। और अब हमने इनको सर्व कर दिया है। और देखिए कितने एकदम कुरकुरे बने हैं एकदम से, खाने में बहुत ही स्वाद है। इसे हम सॉस से गार्निश करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।